चोन जाबता लगन तो बाद अरविंद केजरीवाल दो दिन के पंजाब दौरे पर ने और अज उन्होंने वालों प्रैस वार्ता की गई जिस दे विच उन्होंने पंजाबियों के अगे दस नुक्तियां दा पंजाब माडल पेश किया और ये माडल दे विच वख-वख विषयां दे नाल संबंधित मुद्दे ने जिन्हां नूं हल करन दी गरंटी केजरीवाल दे वल्लों दित्ती गई आ। दस दिए कि इन्हां विषयां दे विच सब तो पहला उन्होंने जो नुक्ता रखिया वह है पंजाब दे विच रोजगार दे साधन पैदा करने। अपनी प्रैस वार्ता दे विच उन्होंने गरंटी दित्ती कि पंजाब दे विच जेकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो रोजगार दे साधन पैदा किए जाएंगे। जो नौजवान रोजी दे लई विदेशों दे विच जा रहे ने वो पंजाब परतन दे लई मजबूर होंगे क्योंकि पंजाब दे विच रोजगार दे साधन पैदा किए जाएंगे। अपने दूसरे नुक्ते दे विच उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब दे विच नशे नू लगाम पाई जाएगी भावें कि कांग्रेस सरकार दे वल्लों सत्ता विच आउण तों पहलां लोकां दे नाल वादा किया गया सी कि चार हफ्तियां दे विच नशा खत्म होवेगा पर कांग्रेस सरकार दे पंज साल पूरे हो गए ने पर अज भी नशा पंजाब दे कई कोनियां ते धड़ल्ले दे नाल वेख रहा जिस करके मौतां हाले भी नशे दे नाल हो रही ने कि जेकर पंजाब दे विच आप दी सरकार आवेगी तो नशा मुक्त पंजाब करांगे। तीजे नंबर ते उन्होंने जिक्र किया पंजाब दे विच अमन कानून का कि जेकर आप दी सरकार बनेगी तो पंजाब दे विच शांति लियांदी जाएगी कानून व्यवस्था पैदा की जाएगी। और उस तो बाद पंजाबियों के अगे चौथा नुकता रखिया भ्रिष्टाचार जिक्र किया कि पंजाब के वख-वख सरकारी दफ्तरां दे विच भ्रिष्टाचार लगातार फैल रहा जेकर आप दी सरकार बनेगी तो भ्रिष्टाचार मुक्त पंजाब बनावांगे। पंजवां नुकता सिक्ख्या नूं लैके दिता गया कि आप दी सरकार बनन ते सिक्ख्या माडल पेश करांगे सिक्ख्या दे विच सुधार करांगे क्योंकि पिछले पंज सालां दे विच जिस तरीके दे नाल अध्यापकां दे धरने रहे स्कूलों की साफ सफाई अते स्कूलों दे विच जिस तरह की पढ़ाई हुंदी सी उस नूं लैके पंजाब दे स्कूल चर्चा दे विच रहे और दिल्ली दे सिक्ख्या मंत्री दे वल्लों भी कई तरह के चैलेंज पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री नूं कीते गए। तो केजरीवाल का कहना है कि जेकर आप दी सरकार बनेगी तो सिक्ख्या दे विच सुधार किया जाएगा। नाल ही उन्होंने छेवां नुकता पेश करते हुए कहा कि सेहत सहूलतां दिंदे हुए पंजाब दे विच 16,000 मुहल्ला क्लीनिक खुल्लांगे। जिस तरीके दे नाल दिल्ली दे विच मुहल्ला क्लीनिक खुले हुए ने जो लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं तो उस दे तरह पंजाब दे विच भी 16,000 मुहल्ला क्लीनिक खोलांगे जिस दे नाल आम लोगों की सेहत विच सुधार होगा। अपने सातवें नुक्ते दे विच गल की बिजली की क्योंकि पिछले दिनों दे विच महीनों दे विच बिजली का मुद्दा बेहद गरमाया भावें कि पंजाब सरकार दे वल्लों भी 3 रुपए बिजली सस्ती की गई पर केजरीवाल ने अज एक गरंटी दी कि जेकर आपकी सरकार बनेगी तो पंजाब दे विच मुफ्त और 24 घंटे बिजली पंजाबियों नूं दित्ती जाएगी। अपने 8वें नुक्ते दे विच उन्होंने जिक्र किया 18 साल की उम्र तो वध वालियां महिलावां दा कि जेकर आपकी सरकार बनेगी तो इन्हां महिलावां नूं हर महीने 1,000 रुपया दिता जाएगा। अपने 9वें नुक्ते दे विच उन्होंने जिक्र किया खेती का कि जेकर आपकी सरकार बनेगी तो खेती दे विच सुधार किया जाएगा और केंद्र सरकार दे नाल तालमेल करके पंजाब की खेतीबाड़ी नूं प्रफुल्लित किया जाएगा जिस दे नाल किसानां नूं वधेरे लाभ होगा। अपने आखिरी नुक्ते दे विच अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया पंजाब दे विच व्यापार का कि जदों आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पंजाब दे विच नवे उद्योग लगाए जाएंगे व्यापार पैदा किया जाएगा और इस दे नाल वधेरे नौजवानों नूं रोजगार भी दिता जाएगा। सीधे तौर पर उन्होंने व्यापार बढ़ाने की गल अपने आखिरी नुक्ते दे विच कीती गई है। तो कुल मिला के पंजाबियों के मूहरे 10 नुक्ते केजरीवाल ने पेश किए ने कि जदों आपकी सरकार बनेगी इन्हां विषयां दे नाल संबंधित मुद्दों नूं हल किया जाएगा हल करन दी गरंटी अज केजरीवाल दे वल्लों दित्ती गई है। इस तो इलावा उन्होंने पिछले दिन जो आरोप लगे ने पार्टी ते पार्टी दे आगुआं ते टिकटां वेचण दे क्योंकि कई जो बागी आप दे लीडर ने
जो आगू ने वख-वख जिलों के नाल वख-वख कस्बों के नाल संबंधित ने उन्होंने वालों चंडीगढ़ के प्रेस वार्ता की गई सी, जिस दे विच उन्होंने जिक्र किया कि कई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने पैसे दे के टिकटा खरीदिया ने और आप दे वड्डे आगुआं दे वल्लों टिकटा वेचिया गई ने। तो विभाग तरीके दे नाल अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान दिता कि जेकर कोई सबूत पेश करेगा तो दोवां ते कार्रवाई होगी, टिकट वेचण वाले ते और टिकट खरीदण वाले ते दोवां नूं पार्टी तो बाहर का रस्ता दिखाया जाएगा। जेकर कोई आगू ये पेश करेगा कि आम आदमी पार्टी के लीडरां दे वल्लों टिकटा वेचिया गई ने और अपनी प्रेस वार्ता दे विच उन्होंने जिक्र किया बलबीर सिंह राजेवाल का और उन्होंने कहा कि गलबात चली सी गठजोड़ नूं लैके, पर राजेवाल जो उगे किसान नेता ने हुण सियासत विच कुद्दे ने वो अपनी पार्टी के वास्ते 60 सीटां की मंग करते सी, अजिहा संभव नहीं सी जिस करके गठजोड़ नेपड़े नहीं चढ़िया। तो कुल मिला के अज पंजाब पहुँचे ने अरविंद केजरीवाल, दो दिन पंजाब रहणगे, पंजाबियों के नाल लोगों के नाल हर एक वर्ग के नाल मुलाकात करनगे क्योंकि पंजाब दीआं विधानसभा चोणां सिर ते ने, जिसके मद्देनज़र अपना 10 नुकतियां दा पंजाब मॉडल अज पंजाबियों के अगे पेश किया। ये पंजाब मॉडल के विच वख-वख विषयां दे नाल संबंधित मुद्दे ने जिन्हां नूं हल करन दा भरोसा दिता गया और गरंटी केजरीवाल के वलों दिती गई है।